हम अलग अलग पक्ष आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है कि दोनों समुदाय की बात आपके सामने रखी जाए। हिंदू पक्ष को आप लगातार सुन रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। वो सर्वे की बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है? वो लोग जो बनारस में बरसों से रह रहे हैं वो क्या मानते हैं, जो भी अभी हालिया में हो रहा है उस पर उनकी राय जानना भी बहुत जरूरी है। और हमारे में ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जो न्यायपालिका का जो काम है न्यायपालिका कर रही है, दोनों पक्ष गए हुए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ मुतमइन नहीं हुए तो हम आगे जाएंगे, सब तरफ हमारे रास्ते खुले हैं। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह का ये हवा बनाया जा रहा है कि 1992 का काशी भारत है, तो पहली बात ये समझ लें कि बनारस है। अब बनारस साड़ियों के लिए मशहूर है, और साड़ियाँ बनती हैं ताने और बाने से, बिना एक ताना होता है एक बाना होता है, और यहाँ पे हिंदू ताना है और मुसलमान बाना, और इन दोनों ताने बाने के बिना साड़ियाँ बनाना नामुमकिन है। इसलिए इन ताने बाने से साड़ियाँ जब बनती हैं तो वह खूबसूरत होती हैं, और काशी इसीलिए मशहूर है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद का प्रकरण है, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ बन जाएगा, इस तरीके का मामला बनारस में कैसा माहौल है, बनारस में कैसे लोग हैं, तो वो सबको एक मेरा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के हर मजहब व फिक्र के लोगों के लिए कि बनारस सुकून से जी रहा है, अपनी मस्ती से जी रहा है, अपनी खूबसूरती से जी रहा है। आज भी हम लोग 12 बजे रात जाकर के जो है 80 घाट पर बैठ करके चाय पी करके आते हैं, कहीं कोई माहौल नहीं है। हाँ, ये न्यायपालिका का प्रकरण है, ये न्यायपालिका समझेगी। दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, काशी ये कहती है कि हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, ये काशी का मैसेज है पूरे देश के लिए। इन्होंने जो बोला सर्वे हो रहा है उनको हमको कोई फर्क नहीं, देखिए जो कानूनी प्रक्रिया वो चलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही पक्ष का सर्वे हो, सिर्फ एक ही जगह सर्वे हो, अरे सारा देश सर्वे के लिए पड़ा हुआ है। और जो ज्ञानवापी मस्जिद है, सर्वे से पहले लोग वहाँ पर कुछ लोगों ने नारा लगाया, पहला ऐसा माहौल बनाया कि अयोध्या तो अभी झाकी है, काशी अभी बाकी है, तो इस टाइप के नारे, इस टाइप के माहौल बनारस में नहीं चलने वाले। और बनारस की जनता बहुत सुलझी हुई है, और अगर मैं और मेरा दोस्त हिंदू है या मेरा पड़ोसी हिंदू है, हम लोगों ने मिल करके एक जमीन दान दी, आधा मस्जिद बना आधा मंदिर बना, तो क्या हमने पाप कर दिया? अरे उस पर एक दीवार पे मस्जिद मंदिर दोनों बन गया, क्या बुरा है? दोनों बनेगा, दोनों हम लोग कोई घंटी बजाएगा, कोई अजान देगा, हम लोग साथ साथ रहेंगे। जो खुद पर अभिमान करेंगे अपना ही नुकसान करेंगे, और काम यही बेईमान करेंगे अपना ही कल्याण करेंगे। हमसे बात करने के लिए आप सभी का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बनारस की जो जनता है उसका मूड क्या है। बनारस की जनता कुल मिलाकर ये कह रही है कि देखिए सर्वे से कोई सीधी सीधी दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन सर्वे को लेकर एक जो माहौल बनारस में बना दिया गया है हिंदू मुसलमान को लेकर और मुस्लिम हिंदू को लेकर, वो इससे बचना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की है वो बरकरार रहनी चाहिए, और आपस में जो सौहार्द है वो बरकरार रहना चाहिए। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज़ वाराणसी। ABP News, आपको रखे आगे।